हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको एमवे के इन पांच मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रोडक्ट्स के बारे में बताती हूँ। ये एमवे होम का SA8 है, लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट बट कपड़े धोने के लिए। ये डिश ड्रॉप है एमवे होम का ही, ये बर्तन धोने के लिए। ये LOC है, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर, मल्टीपर्पज क्लीनर है। ये ग्लिस्टर मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है और ये परसोना सोप है मॉइस्चराइजर आलमंड ऑयल और विटामिन ई के साथ। तो अब इनके डेमोज देखते हैं। तो आइए अभी हम बात करते हैं S8 लिक्विड लॉन्ड्री डिटर्जेंट की। ये एक लिक्विड है जो कपड़ों की देखभाल के लिए है, 4-in-1 फॉर्मूला है। ये क्लीन करता है कपड़ों को, प्री ट्रीट भी कर सकते हैं इससे हम अपने कपड़ों को, और ये सॉफ्ट भी रखता है हमारे कपड़ों को और कलर्स को भी ब्राइट रखता है। ठीक है, ये इसको हम मशीन वॉश और हैंड वॉश दोनों ही में यूज़ कर सकते हैं। जब हमें हैंड वॉश करने हो तो बाल्टी भर कपड़ों को धोने के लिए सिर्फ ये छोटा एक चम्मच काफ़ी है। ठीक है, और जब मशीन वॉश करना है तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन में हम 15-20 ml में 3 loads आराम से निकाल सकते हैं, और फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में 10 ml यूज़ होता है ये एक वक्त के लोड के लिए, सिंगल लोड के लिए। ठीक है, तो ये बात हुई कि कितना यूज़ होता है। ये एक बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट है, इकोनॉमिकल है और इकोलॉजिकल है, मतलब किसी भी तरह हमारे पर्यावरण को नुकसान नहीं करता। इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है जो हमारे कपड़ों के लिए या हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो। उसी को दिखाने के लिए मैं एक डेमो करती हूँ यहाँ पर। यहाँ मेरे पास 2 जार्स हैं, इसमें हम पानी लेते हैं। और जब भी हमें कपड़ों को प्री ट्रीट भी करना है तो जहाँ भी निशान लगे हैं वहाँ पर सूखे हाथ से इसको लगा देंगे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी भी। अभी से पहले ऐसा कुछ एक पाउडर हम सब यूज़ कर रहे हैं, है ना, मैं भी पहले यही यूज़ करती थी। और दूसरी तरफ मैं यूज़ करूँगी SA8 लिक्विड। ये लिक्विड बहुत ही कॉन्सेंट्रेट है इसलिए बहुत थोड़ा सा लगता है, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा लिक्विड डाल दिया मैंने। ठीक है, इसमें अब हम जार्स को बंद करेंगे। और इनको शेक करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि जो मार्केट का प्रोडक्ट है वो झाग से भरा हुआ है, इसमें बहुत ज़्यादा झाग है, और SA8 लॉन्ड्री डिटर्जेंट में झाग नहीं है, इसमें झाग नहीं होती। ये बहुत ही लो फोमिंग फॉर्मूला है, तो उससे क्या है जब हम कपड़ों को वॉशिंग मशीन के बाद हंगालते हैं सेमी ऑटोमेटिक में या हैंड वॉश में, तो उसमें बहुत ही कम पानी और मेहनत बहुत कम लगती है, तो कपड़े आराम से हंगाल पाते हैं क्योंकि उसमें फोम नहीं होती। एक और चीज़ हम देखते हैं कि हमारे कपड़ों पर अक्सर जब खाने की कोई चीज़ गिर जाती है और उसको जब हम वॉश करते हैं तो हमने देखा है कि वो कपड़ों का जो खाना गिरा होता है वहाँ पर जब हम वॉश करते हैं तो रेड हो जाता है। ऐसा नोटिस किया आपने भी कभी? ये देखिए SA8 में जब हमने हल्दी डाली तो उसका कोई कलर चेंज नहीं हुआ, एज इट इज़ है, लेकिन जब मार्केट के प्रोडक्ट में हमने हल्दी डाली तो कलर एकदम चेंज हो गया। दिस शोज़ कि जो मार्केट का प्रोडक्ट है इसमें जो बेस मटेरियल है दैट इज़ कास्टिक सोडा। ठीक है, सो ये कास्टिक सोडा है जिसकी वजह से ये रंग बदला है, और इसमें आप देखेंगे मार्केट के प्रोडक्ट के नीचे में रेजिड्यूज़ रह जाते हैं जो कि कभी घुलते नहीं हैं पर कपड़ों के साथ रगड़ खा के उनको हार्म ज़रूर करते हैं। तो ये हमारा था एक डेमो, और इसके साथ ही मैं आपको एक और डेमो दिखाती हूँ कि जब कपड़ों पर सपोज स्कूल से बच्चे या हस्बैंड्स की शर्ट्स पे या किसी भी तरह से जब कपड़ों पर बॉल पेन का मार्क भी लग जाए तो हम परेशान हो जाते हैं, बल्कि कोई भी हो चॉकलेट का खाने का कोई निशान ना, ऐसा कोई भी निशान हो तो परेशान नहीं होने की ज़रूरत है। आप आराम से उस कपड़े के ऊपर ऐसे सूखे हाथ से SA8 लगाएंगे
इस तरह से, और नोटिस करिए कि जैसे आप ऐसे एसेट लगाएंगे वो सारा कुछ घुलना शुरू हो जाता है, इट स्टार्ट मेल्टिंग, ये सारा मेल्ट होना शुरू हो गया। और अभी 5 मिनट्स में मैं इसको आपको वॉश करके दिखाऊंगी, एकदम पूरा निशान चला जाएगा। तो इसको अभी हम यहाँ रखते हैं, और ये जो हमने पेन लगाया था उसी को मैं वॉश करके दिखा रही हूँ 5 मिनट्स के बाद। सी दिस नो मार्क, ठीक है जी। तो ये बहुत ही इफेक्टिव है निशान हटाने में भी। अभी हम बात करते हैं डिश ड्रॉप की। डिश ड्रॉप एम्बे होम का अनदर एक प्रोडक्ट है जो बर्तन धोने के लिए यूज़ होता है, बर्तनों की देखभाल के लिए। इसके अंदर ट्रायडिक डिटर्जेंट सिस्टम है जिससे कि डेयरी फैट, वेजिटेबल ऑयल फैट और एनिमल फैट, तीनों ही तरह के फैट्स को ये बखूबी काटता है। और हाथों पर बहुत ही सॉफ्ट है क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा है और स्किन कंडीशनर है, ठीक है। और इसको जब यूज़ करते हैं, अगेन ये एक एम्बे होम का बहुत ही कॉन्सेंट्रेट फार्मूला है, तो इसको हम 1:3 की रेशियो में डाइल्यूट करके यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसकी एक डेमो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना पावरफुल है, और इसमें बहुत ही सॉफ्ट फोम होती है जो रहती है। ऐसे हम थोड़ा सा पानी लेते हैं रोज़मर्रा बर्तन धोने के लिए, मैंने थोड़ा सा लिया है, और इसको फोम के साथ यूज़ करेंगे। एज यू कैन सी इसके अंदर बहुत ही झाग होती है, लेकिन उसके बावजूद ये आपके हाथों को कोई नुकसान नहीं करता। इवन इफ आपका हाथ कहीं कटा जला भी होगा तो उसको हील करने में हेल्प करेगा ये। सी नाउ यू कैन सी के एक बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स आपके दिन भर के बर्तनों को धोने के लिए काफ़ी है। इसका एक और डेमो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमने थोड़ा पानी लिया है, सरसों का तेल बहुत ही हार्ड होता है, चिकना होता है, जो जल्दी से रिमूव भी नहीं होता है। सी मैंने इस स्पून में थोड़ा सा सरसों का तेल लिया है और उसको पूरे स्पून पे स्प्रेड कर दिया है। और इसमें अब हम थोड़ा सा ऐसे डिश ड्रॉप लेंगे, पूरा जो ऑयल है वो निकल कर पानी के ऊपर आ गया और स्पून एब्सोल्युटली क्लीन है, पूरा ऑयल पानी के ऊपर आ गया तैर के और स्पून एकदम क्लीन हो गया। दिस इज हाउ पावरफुल डिश ड्रॉप इज। और ये जो 1 लीटर की बॉटल है डिश ड्रॉप की, हम 4 लोगों के घर में 8 से 9 मंथ्स, मतलब 8 से 9 महीने तक यूज होती है, ये इतना कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्मूला है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्बे होम के ही LOC की। LOC इज लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर। ये एक मल्टीपर्पज क्लीनर है, जिस भी चीज़ को आप पानी से धो सकते हैं या गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं, आप उसको सब चीज़ों को LOC से क्लीन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर है। इसको ये अगेन एक कॉन्सेंट्रेट है जो कि डाइल्यूट करके यूज़ करते हैं। इसको 1 लीटर पानी में
6 ml डालते हैं और क्लीनिंग सॉल्यूशन बन जाता है। इसकी 1 लीटर की बॉटल से हम 167 लीटर्स क्लीनिंग सॉल्यूशन बनाते हैं और उस 1 लीटर क्लीनिंग सॉल्यूशन की कॉस्ट आती 2 रुपीज़ 95 पैसा। तो कौन सा है मार्केट में इतना सस्ता क्लीनिंग सॉल्यूशन, ठीक है, और इस कितना पावरफुल है ये मैं अभी दिखाती हूँ आपको। यूजुअली हमने देखा जब शू पॉलिश हाथ पे लग जाए तो बहुत ही उसमें वैक्स होता है और बहुत कड़ी होती है, जल्दी से जाती नहीं है शू पॉलिश, ठीक है। तो यहाँ मैंने शू पॉलिश हाथ पे लगाई है और इस तरफ मैं थोड़ा सा LOC लेके इसके ऊपर रब कर रही हूँ। आप देखिए कैसे LOC के आते ही वो शू पॉलिश में जो इतना वैक्सी वैक्सी था वो सब मेल्ट होने लग गया है ना। वो सारा मेल्ट हो गया। सी पूरा का पूरा उसने हटा दिया और एकदम सॉफ्ट है हाथ। अब ये कपड़े का सोच रहे कि कैसे हटेगा, तो इसको अब हम एक बाउल में रख के पानी में डाल देते हैं, ये भी क्लीन हो जाएगा। I'll show you. मैंने अलग से कोई नहीं लगाया, जो क्लीनिंग के लिए यूज़ किया था उतने ही LOC से ये कपड़ा भी क्लीन हो गया है। सी ठीक है, अब टर्न है टूथपेस्ट की। ग्लिस्टर टूथपेस्ट मल्टी एक्शन टूथपेस्ट है जो दांतों को वाइट तो करता ही है, प्लाक को रिमूव करता है, कैविटीज़ को फाइट करता है ना, और फ्रेश ब्रेथ आती है, आपकी सांसों को क्लीन करता है ना, और मिनरलाइजेशन को रीमिनरलाइजेशन को प्रमोट करता है ये रेगुलर ब्रशिंग के साथ, ठीक है। और ये इस तरफ लिए हमने मार्केट के कुछ पॉपुलर ब्रांड्स आप देख पा रहे हो, तो इनकी मैं अभी डेमो करूँगी। ये एक ब्रांड है, इसको हम ले लेते हैं इस वाले स्पून में, ठीक है जी। और नेक्स्ट जो ब्रांड है ये भी एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है मार्केट का, और ये वाला हम लेते हैं ग्लिस्टर टूथपेस्ट, ठीक है। अगेन आंवे का फॉर्मूला कॉन्सेंट्रेट है और एकदम आपको मोती जितनी या लिटिल क्वांटिटी आपको लेनी होती है। इसके अंदर हम डालेंगे HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे पेट में भी होता है डाइजेशन के लिए, और सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो हमारे मुंह में भी बहुत सारा होता है, ठीक है। तो अभी मैं दिखाती हूँ ये सारे जो पॉपुलर मार्केट के ब्रांड्स हैं इनके अंदर जब HCl डाला तो क्या रिएक्शन हो रहा है, ठीक है जी। ये एक दूसरा मार्केट का पॉपुलर ब्रांड है, इसमें भी देखिए क्या रिएक्शन हो रहा है, कंटिन्यूस होते जा रहा है, एंड यू कैन सी इट वेरी वेल। और ये जो ग्लिस्टर है इसके अंदर जब हमने डाला इसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, बिकॉज ऐसा कुछ उसमें है नहीं हार्मफुल, बहुत ही नेचुरल बना हुआ है। और आप देख पा रहे हो कि ये एक कुछ वजहें हो सकती हैं आपके एसिडिटी, गैस, एंड लेटर ऑन कुछ सालों के बाद स्टमक अल्सर्स एंड वगैरह वगैरह, ठीक है। So these products are safer products. ये ग्लिस्टर है, ग्लिस्टर टूथपेस्ट, मल्टी एक्शन टूथपेस्ट फ्रॉम एम्वे, और ये मार्केट के दोनों पॉपुलर ब्रांड्स हैं जिनका मैंने आपको हमारे जो डाइजेस्टिव एसिड है उसके साथ रिएक्शन दिखाया। नाउ पर्सोना सोप, पर्सोना सोप जो है इसके अंदर मॉइस्चराइजिंग तो है ही, उसके साथ साथ आलमंड ऑयल और विटामिन ई भी है जो हमारी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट रखता है और नरिशमेंट भी देता है। और प्लस ये जो भी गंदगी, जो पॉल्यूशन हमारे ऊपर चिपकती रहती है उस सबको भी हटाता है ये, ठीक है। इसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं मार्केट के एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड से
जो कहा जाता है कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम है उसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मैं इन दो ग्लासेस में थोड़ा पानी ले रही हूँ, और इसके अंदर पॉल्यूशन को डिपिक करने के लिए मैं लिक्विड बेटाडीन को यूज़ कर रही हूँ। अभी एक जैसा हो गया ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सोप बार को लेंगे और उसको थोड़ा सा स्क्रैप करके इसमें डालेंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा स्क्रैप करके इसमें डाला है, दिस इज परसोना, और इसके अंदर मैंने इसको बॉडी पे क्लीनिंग का एक लेकर आता है, क्या आप देख सकते हो इसको बहुत ही इफेक्टिवली। एंड दिस इज द प्रोडक्ट जहाँ